हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कढ़ाई मशरूम की रेसिपी, जिसको काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है और इसको किसी भी ओकेजन पे इजीली बहुत ही कम टाइम में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़े से गर्म मसाले। एक पैन में यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें हम थोड़े गरम मसाले डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़े गरम मसाले डाले हैं। इनको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। अब यहाँ पर दो कटे हुए प्याज के स्लाइसेस को मैं डाल रही हूँ और इसे भी थोड़ा पिंक होने तक सॉटे कर लेना है, ताकि ये जो है अच्छी तरह से भुन भी जाए लेकिन जले ना। आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, थोड़ा सा स्लाइट पिंक करना है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट और थोड़े से कटे हुए अदरक। आप चाहें तो ग्रेटेड अदरक भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दिया है और अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब इन्हें हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि प्याज भी हमारे जो है वो थोड़े से पक जाए और लहसुन और अदरक जो है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको भी अच्छी तरह से सॉटे कर लिया है। सॉटे करने के बाद देखिए हमारे मसाले थोड़े से पक चुके हैं। अब इसमें मैं एक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को भी हमें थोड़ी देर तक भून लेना है। ऐसा इसको भूनना है कि ये अच्छी तरह से पक जाए और गल भी जाए। ये सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर ही करना है, ये ध्यान रहे। टमाटर जल्दी से गल जाए उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर उसे सॉटे कर लिया है और ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखिएगा कि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं और टमाटर जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए साइड में ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको इसे मिक्सर जार में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है। इसमें मैं थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन मसालों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो हमारी ग्रेवी की जो बेस है वो रेडी है। अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसमें हमें डालना है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये मिर्च जो होती है ये तीखी नहीं होती है, बट इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है ग्रेवी में। तो हमने जो मसाले पीस करके रखे थे उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ी देर सॉटे कर लेंगे, ताकि ये तेल के साथ और मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और साथ ही साथ ये थोड़ा सा भुन भी जाए। बस मीडियम फ्लेम पे आपको इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह भुनना है। तो भुनने के प्रोसेस से जो है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा, आपको ये साफ़ पता चलेगा भुनते भुनते, और साइड से इसकी ऑयल भी रिलीज़ हो जाएगी। तो जब आपको साइड में ऑयल दिखने लगे तो आप समझिए आपके मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसमें मैं थोड़े से टेस्ट को एनहांस करने के लिए शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। अब इसमें हमें डालना है थोड़ी सी फ्रेश दही। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश दही का यूज़ किया है। आप बहुत ज़्यादा खट्टी दही यूज़ ना करें, नहीं तो इसमें ऑलरेडी टमाटर है तो आपकी जो ग्रेवी है काफ़ी खट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रेश दही डाल करके मिक्स कर लेना है। इस बीच हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना होगा, ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। 2 से 3 मिनट होते होते ही इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये ऑयल रिलीज़ कर देगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से फ्रेश मटर, और यहाँ पर मैं बटन मशरूम का यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारा पैक्ड डब्बे में आता है उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश मशरूम मिल जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इन्हें भी हमें मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो फ्रेंड्स, पैक्ड मशरूम का और मटर दोनों का ही कुकिंग टाइम काफ़ी कम होता है, इसलिए हमने इसे लास्ट में डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक तो हमारे ऑलरेडी ग्रेवी में भी है, और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा मशरूम भी अच्छी तरह से पक चुका है और मटर जो है वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं।
अब इसमें हमें एक चम्मच गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला हमें बिल्कुल लास्ट में ही डालना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो बनी रहे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे थोड़ी देर बॉयल होने के लिए छोड़ देना होगा। तो इसे मैंने ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए मशरूम जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और अच्छी तरह से पक भी चुका है, और इसके कलर से ही आपको मालूम चलेगा कि इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। इसे गर्मा गर्म नान, पराठे या जीरा राइस के साथ भी सर्व किया जा सकता है। किसी भी ओकेजन पे या कभी आपको टेस्ट चेंज करने का मन हो तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।